नमस्कार दोस्तों, डेटा वैलिडेशन में ये ऑप्शंस कैसे करते हैं, जैसे सर्कल इनवैलिड डेटा या क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। तो ये होता क्या है, इसका यूज कैसे होता है, ये आज मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। छोटा सा ऑप्शन है, बस 2-3 मिनट में सीख जाओगे। तो चलिए इंतजार किस बात का, मैं उस सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका हूँ एक्सेल फाइल के अंदर। मैंने एक डेटा ले लिया है, इसके अंदर पहले से आपको दिखाई दे रहा है कुछ नंबर्स लिए। तो ऐसे कुछ नंबर्स आपने टाइप किए रहेंगे, आपका कुछ भी रह सकता है, एम्प्लॉय का एज रह सकता है, कुछ भी, वॉट एवर विल बी देयर। मैंने एग्जाम्पल ले लिया है यहाँ पे कुछ नंबर से आपको दिखाने के लिए कि इनवैलिड डेटा हाईलाइट होता कैसे एक्चुअली। तो इसमें जो डेटा मुझे हाईलाइट करना है, मतलब इनवैलिड, पहले डेटा वैलिडेशन देना पड़ेगा, फिर इनवैलिड डेटा को सर्कल्स हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करूंगा, ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिया इस तरह से डेटा, और डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। मैं वैलिडेशन में यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया देना चाहता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे कस्टम क्राइटेरिया दूंगा। मैंने दिया यहाँ पे, सपोज ये सेल के अंदर, मतलब पूरे सेल्स के अंदर कहीं पे भी ग्रेटर देन 35 की वैल्यूज है तो ओके है, लेकिन उससे नीचे वैल्यूज है तो मुझे वो वैलिडेशन, मतलब वहां पे रिस्ट्रिक्ट करनी उस वैल्यू को, तो उसके नीचे वाली वैल्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ वैल्यूज ऐसे 35 के नीचे भी हो सकती है, तो वो कौन सी है वो देखने के लिए आप डेटा वैलिडेशन में सर्कल इनवैलिड डेटा क्लिक करेंगे, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे दोस्तों वो सभी वैल्यूज जो कि आपने जो वैलिडेशन दिया है उसके नीचे कौन कौन सी वैल्यूज है। तो आप वो वैल्यूज यहाँ से इजिली ट्रैक कर सकते हैं, और इसे हटाना है तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल ऑप्शन है, बस आपको हाईलाइट करनी उन वैल्यूज को जो डेटा वैलिडेशन के अंदर आपको यहाँ पे उस क्राइटेरिया में नहीं बैठ रही है, वो वैल्यू पहले से आपने टाइप की और बाद में आपने डेटा वैलिडेशन दे दिया। ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया में नहीं आती है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्कल के साथ हाईलाइट करने का काम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, ये सर्कल इनवैलिड डेटा, ये ऑप्शंस कर देता है दोस्तों। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। ये एक छोटा सा ऑप्शन है, इसका यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली वो आप एक्सपर्ट हो उसमें, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इसका। जहां पे आपको डेटा हाईलाइट करना रहेगा वैलिडेशन के लिए, तो आप वैसे हाईलाइट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ के बोर हो गया तो एक जोक सुना लेते हैं। नहीं करूंगा मैं बो यह लैलमो। दोस्तों एक बार बेटा पहली बार लड़की को लेकर अपने घर में आया, तो उसके पापा ने पूछा, कौन है ये लड़की? बेटा बोला, पापा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर पापा बोले, तो ठीक है। फिर दोस्तों दूसरे दिन लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ घूमते हुए नजर आया, तो फिर पापा ने गुस्से से कहा, बेटा ये कौन है? फिर बेटा बोला, रिश्ता वही, आइटम नहीं। दोस्तों कैसा लगा ये जोक, कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो इसको यूज कैसे करना ये तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कहूंगा, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।